हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपने गूगल पे ऐप के अंदर जो है यूपीआई लाइट को एक्टिवेट कर रहा था, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि रीएक्टिवेट एसोसिएट बैंक अकाउंट, तो मेरा जो यूपीआई लाइट है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अगर ये आपका साथ भी जो है ना इस तरीके की प्रॉब्लम आती है यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करने में गूगल पे ऐप के अंदर, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, ये मेरा गूगल पे का ऐप है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं इसे जो है डिसमिस कर देता हूं। अब देखिए यहां पर मैं यूपीआई लाइट जो है मेरा यूपीआई लाइट, इसे मैं रीएक्टिवेट का ऑप्शन दबाऊंगा तो ये बार बार जो है इसी तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, रीएक्टिवेट एसोसिएट बैंक अकाउंट। तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए इसका सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ होता है, आपको इसे पढ़ लेना होता है पूरे तरीके से। देखिए नीचे लिखा हुआ है, टू रीएक्टिवेट यूपीआई लाइट यू विल नीड टू रीएक्टिवेट योर बैंक योर एसोसिएट बैंक अकाउंट। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि आपने जो यूपीआई लाइट जिस बैंक अकाउंट से लिंक कर रखा है उस बैंक अकाउंट को पहले आपको एक्टिवेट करना है, तब जाके आपका ये एक्टिवेट होगा यूपीआई लाइट। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो मेरा यूपीआई लाइट है ये मेरा पंजाब एंड सिंध बैंक से लिंक है, यानी कि मैंने इस बैंक से अपना यूपीआई लाइट को एक्टिवेट कर रखा था पहले से। ठीक है ना, तो ये बता रहे कि आपको अपना बैंक अकाउंट पहले जो है रीएक्टिवेट करना है, ठीक है, फिर आपका जो है यूपीआई लाइट एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए अब मैं ऊपर की साइड, देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक ये मेरा यहां पर ऑप्शन है, तो मैं इसे एक्टिवेट के बटन पर दबाऊंगा तो यहां पर जो है ना इस तरीके से ये कुडंट रजिस्टर ये आ जा रहा है। ठीक है ना, ये कुडंट रजिस्टर आ जा रहा है जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर जो है गूगल पे ऐप के अंदर ये बैंक अकाउंट पंजाब एंड सिंध बैंक का ये भी रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, यानी कि एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये यूपीआई लाइट मेरा एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम ये देखते हैं कि हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुडंट रजिस्टर के नीचे लिखा हुआ है, यू हैव रीच द SMS लिमिट फॉर डिवाइस रजिस्ट्रेशन, यू कैन ट्राई एडिंग योर पेमेंट मेथड अगेन इन 24 आवर्स। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है कि आप जो है इसे 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के बाद जो है दोबारा अपने जो है बैंक अकाउंट को एक्टिवेट कर पाएंगे, यानी कि 24 घंटे का समय मांग रहा है जिसके बाद जो है आप अपने बैंक अकाउंट को अपने गूगल पे ऐप में एक्टिवेट कर पाएंगे, जिसके बाद आप अपने यूपीआई लाइट को भी एक्टिवेट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है कि यहां पर आपका यूपीआई लाइट जब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि आपका बैंक अकाउंट आपका एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, तो जिस बैंक अकाउंट से आपने अपना यूपीआई लाइट लिंक कर रखा है उस बैंक अकाउंट को पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने गूगल पे ऐप के अंदर, तब जाके आपका यूपीआई लाइट एक्टिवेट हो पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जो है ये प्रॉब्लम ये आ रही थी, तो यही एक इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मैं जो है 24 घंटे बाद तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इसका रीजन जो है साफ साफ इसके नीचे लिखा हुआ दे दिया गया है। अगर आपके साथ भी गूगल पे ऐप के अंदर यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करने के दौरान इस तरीके की प्रॉब्लम आती ना रीएक्टिवेट एसोसिएट बैंक अकाउंट, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहले उसके नीचे रीजन देख लीजिएगा कि उसके नीचे रीजन क्या दिया हुआ है यूपीआई लाइट एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद जो है दोस्तों आपको आगे का प्रोसेस करना होता है। जैसे कि मेरा पहले तो बोल रहा है कि बैंक अकाउंट एक्टिवेट करना है, उसके बाद मेरे को जो है अपना यूपीआई लाइट एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यही एक सॉल्यूशन है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती तो पहले उसके नीचे दिया हुआ रीजन आपको पढ़ लेना है, तभी आपको उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। ठीक है,